तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में आज का जो पॉडकास्ट है वही डिस्क्लेमर ले लो कि आप प्लीज़ कृपया अपने रिस्क पर देखें आज बातें होंगी थोड़ी एटीन प्लस और फैमिली के साथ आप ना देखें तो अच्छा है क्योंकि हमारे पॉडकास्ट वैसे बहुत फैमिली फ्रेंडली होते हैं बट क्योंकि हमारा काम ऐसा है हमारा जॉनर ऐसा है कि हम हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हर चीज़ की एटलीस्ट नॉलेज हो Uh, तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है शेक्सपियर त्रिपाठी भाई uh, ये एक एडल्ट फिल्म स्टार है uh, देसी भाषा में कहें तो पॉन स्टार कह सकते हैं आपको ये एक इंडियन पॉन स्टार है uh, और भाई का नाम शेक्सपियर ही है ऐसा नहीं है ये इनका आर्टिस्ट नेम है क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो गए थे तो भाई सबसे पहले तो वेलकम थैंक यू सो मच एंड अप्रिशिएट योर गट्स भाई बहुत लोग ये काम छुपा कर करते हैं नाम बदल के करते हैं आप ने आगे से हमें रीच आउट करा एंड हमें भी बहुत खुशी हुई कि भाई आप आगे से आपने रीच आउट करा ऑडियंस को इसके बारे में जानना चाहिए हमें भी जानना है तो सबसे पहले तो कूडोज टू दैट थैंक यू थैंक यू भाई आपका वैसे सही बताऊँ नाम देखकर मुझे लगा चलो आपने नाम चेंज करा हुआ है बंदा अपना नाम नहीं बताना चाह रहा लेकिन चलो भाई बहुत बड़ी बात है ये अपने रियल नेम से बंदा इस में कई बार लोग मास्क भी लगा लेते हैं और वैसे ही बातें करते हैं तो भाई पहले तो नाम की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दो स्टोरी ये है कि बहुत माई पेरेंट्स आर इंग्लिश प्रोफेसर मॉम इज ए स्कूल टीचर पापा कॉलेज में पढ़ाते हैं पापा ए हैं बोथ ऑफ द आर हाईली लिटरेट डैड इज़ ए डॉक्ट्रेट in English. Mom's a postgraduate. My sister is also into post uh, post graduation literature. तो family में पूरा academic वाला था और जब मेरे mom dad मिले थे actually तो उस time पे ऐसा था कि अगर by the way my mom is my dad student college में तो तभी ऐसा था कि अगर आपको library से कोई book लेना है ना so you need a, like एक authorization like a signature तो उस दिन मेरे father just joined किए थे as an assistant professor तो वो book थी Shakespeare की एंड माई पेरेंट्स मेट एंड देव एंड ऑल दैट आई वॉज बॉर्न एंड द सेकंड बॉर्न दो तो उन्होंने तभी डिसाइड किया था कि अगर बिकॉज दे बोथ आर इंग्लिश बैकग्राउंड के तो सोचा कि अगर हमारा लड़का हुआ तो उसका नाम शेक्सपियर रखेंगे सो yeah. दैट्सपियर so, wow. तो भाई थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते कि आप कैसे इस लाइन में आए पहले आप क्या करते थे इस इंडस्ट्री में कैसे आए थोड़ा बताओ मैंने इससे पहले एक्चुअली बहुत टाइप के जॉब्स किए आई वॉज अ न्यूज़ प्रजेंटर इन माई होम टाउन मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता था मैं कैबिन क्रू था उसके बाद बस दो तीन फ्लाइट्स ही किए क्योंकि उस टाइम पे मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए फ्लाइट में तो आई जस्ट रिज़ाइंड फ्रॉम माय जॉब और मैं गया ऑडिशन के लिए ऑडिशन था एम एस धोनी के साथ फॉर चिप्स कमर्शियल मैं गया मुझे छः घंटा बिठा के रखा और मुझे कुछ नहीं मालूम तभी ऑडिशन कैसे जस्ट एटीन ईयर्स ओल्ड मे बी सेवनटीन एंड हाफ एटीन भ गया मैं शॉर्ट्स में गया था ऐसे फट्टे शॉर्ट्स होते ना जो mm. वो पहन के गया था नो आइडिया बता आई प्रोफाइल्स दो ऐसा दो मुझे कुछ नहीं पता आई गॉट सिलेक्टेड आई शॉट फॉर द एड उसके बाद मुझे बैक टू बैक एड्स मिले क्योंकि आई ऑफ दैट एज वो लुक था मैंने आईडियल लॉड ऑफ टॉप एड्स फिर क्या हुआ आई थॉट कि चलो मॉडलिंग में नाम हो गया तो आई अकॉर्डिंग टू टेलीविज़न टेलीविजन में एक्चुअली मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ टेलीविजन में क्या है बहुत कैम्योज ये सब मिले लीड्स भी मिले एपिसोडिक्स बट कंसिस्टेंसी कभी नहीं था इन फिल्म फिल्म तो दूर की बात में भूल जाओ जब एक ऑडिशन होता है ये स्टूडियो है आई थिंक आई हैव ऑडिशन डिया आई है फीलिंग यहाँ पे मतलब भरा रहता है एटलीस्ट अ थाउजेंड गाइज वेटिंग एंड गर्ल्स समटाइम्स किड्स उनके पेरेंट्स एंड यूर ट्विटेड लाइक शेट लाइक कैटल आपने अगर वाइट शूज पहने ना हंड्रेड परसेंट वो खराब हो जाएंगे क्योंकि कोई चढ़ जाएगा और uh, फिट नॉट फिट वो चलता है मतलब मतलब इट इज सो इनह्यूमन यू आर जज्ड फॉर यूर लुक्स एंड वी कम फॉर दैट शेम हम खुद आते थे एक्टिंग तो हाँ सो यू कम नॉट फिट किसने भेजा तुमको लाइक शू शू करता लाइक जैसे आप अच्छा डॉग्स को करते होंगे प्रॉबेबली डॉग्स और उनकी जिंदगी भी अच्छी होती है जैसा हमें ट्रीट करते हैं। हुआ है आपका बहुत बार हुआ क्योंकि क्या था आई मैं एक एज ग्रुप में हूँ मैं शायद एक पच्चीस साल के ऑडिशन में चला गया नहीं जमेगा या तो उनको इंडियन लुकिंग फेस चाहिए या तो एकदम कुछ बॉडी बिल्डर चाहिए तो बहुत बहुत मुश्किल था उस टाइम पे काम पाना तो मैं ट्राई करा था फिल्म्स मैंने फिल्में भी की छोटी छोटी फिल्में की सिंगल स्क्रीन्स पे आई भी बट सक्सेस नहीं मिल रहा था उस स्पॉटलाइट जैसे आपका कैसे लगातार काम चल रहा है वैसा कभी था एक महीने में एक ऐड मिला फिर आपने सौ ऑडिशन की तो दैट तो इज़ वेरी डिप्रेसिंग तो ये तो चल ही रहा था मतलब लाइक नेवर एंडिंग जैसे बोलते ना इस रात की सुबह नहीं नो सनशाइन आफ्टर दैट आई आई स्टार्ट गेटिंग वर्क मैंने मैंने एक सीरियल किया जी पे सेवन uh, पी आता था ये तेरी गलियाँ वो किया फिर करता रहा अब भी गया फिर सब करता रहा फिर मैं एक कॉफ़ी शॉप भी खोला मैंने सोचा इसमें तो होगा ही नहीं तब भी आ गया लॉकडाउन अभी बॉज मार्च नाइनटीन और ट्वेंटी जो बड़ा लॉकडाउन लगा ट्वेंटी ट्वेंटी सब बंद बिजनेस बंद करियर तो इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट फिर घर पे बैठते थे और तभी मैं एक लिव इन में था फॉर फाइव इयर्स। वो ब्रेकअप हो गया और डिप्रेशन तो so, उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू गो आउट आई वांटेड टू फाक आई जस्ट वांटेड टू क्लियर माय हेड कोई ऑप्शन नहीं था तो मुझे ऐसे फिल्मों के बहुत पहले से ऑफर्स आ रहे थे क्योंकि मैं वैसे भी यू नो अटेंशन पाने के लिए थोड़े बोल्ड फोटोज लगता था तो ऐसे फिल्मों के लिए आपने कभी ऑडिशन दिया भी नहीं है नहीं ये आपको तो आप सोशल मीडिया से खुद से देखकर आते थे मैं मैं बोलता नो 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 नॉट पॉसिबल मे भी मुझे कल फिल्म मिले क्या बोलता टेलीविजन मिले फिर मुझे एक उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा बोला आपको हम एडवांस करेंगे जो भी किया स्क्रिप्ट पढ़ा लीड रोल था फोटोग्राफर का जो एक बड़ी एक्ट्रेस से प्यार कर बैठता है तो मतलब वाह यार देयर वाज अ सॉन्ग आल्सो इन दैट फिल्म लॉन्च था प्रॉपर स्क्रिप्ट थी फिर लिखा है कितना किस करना है कितना टच करना है तो आई वॉज ना वाव यार नॉट बैड एंड वॉज एक्चुअली द प्रोडक्शन हाउस ऐप ऑफ अ वेरी बिग बिजनेस मैन तो वो भी बताया मुझे आई वॉज आई वॉज लाइक कन्विंस्ड और मैंने देखा उनका इंस्टा देवर थ्राइव थ्राइविंग तो मैं गया और वो सेट पे लोग मुझे देख के हैरान उनको लगा मैं भूला भटका कोई आ गया हूँ तो वर अवॉइडिंग मी क्योंकि फिर वो एक्ट्रेस आती है बोलती है क्या था था। सर क्या कास्टिंग किया है आज तो मज़ा आएगा बोल सीन देने में आई वॉज नर्वस और हमने वी स्टार्टेड शूटिंग और मैंने देखा वेरी नॉर्मल सेटअप लाइक दिस कैमराज असिस्टेंट्स पीपल स्पॉट बॉय स्पॉट गर्ल मेकअप आर्टिस्ट फीमेल्स बहुत थे सेट पे इस टाइम पे ऐसे आपकी फाइनेंशियल जो पोजिशन थी वो काफ़ी कम हो गई थी ओबियसली अदरवाइज तो आई वुड हैव वेटेड फॉर दैट बिग ब्रेक कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ और होगा ही नहीं यू नो टाइम्स इस क्लिकिंग ये भी हाथ से चला जाएगा तो मैंने सोचा रात भर और मैं गया सेट पे और मुझे लगा कि यार ये हमारा टेलीविजन भी ऐसे ही बनता है लोग आगे पीछे फिर बहुत बारिश हो रही थी मुझे याद है फिर आया बोल बोलसिन भी बहुत ईजीली uh, हो गया शूट लोग थे थोड़ा नर्वसनेस था एंग्जाइटी थी जो भी फिर मुझे लगा नॉट बैड फिर वो फिल्म आई रिलीज <coughs> हुई तभी क्या था वो एक पर्टिकुलर ऐप पे रिलीज हुई हाँ, का का और कितने दिन का शूट हुआ वो एक दिन का एक दिन के में मूवी कितनी देर की मूवी बनी पच्चीस मिनट की अच्छा लाइक अच्छा। शॉर्ट फिल्म अच्छा तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट पॉन थी वो जो हम मतलब उसमें कितनी थी उसमें फीमेल वॉज टॉपलेस बट दे वॉज़ नो रियल सेक्स किसी के अंडरवाइज नहीं उतारे गए थे जब हमने हम्पिंग शॉट्स भी किए देर वॉज अ पिलो देर वॉज अ क्वेश्चन एंड एवरी थिंग इज टेक्निकल एवरी थिंग इज कैमरा कैमरा पे कोई अगर वहाँ से दिखे लगे ये तो रियल सेक्स करें क्योंकि हमने अंडरवेयर को हम लोग मोड़ देते हैं थोंग्स पहनते हैं जो फिर थोंग के ऊपर एक हाथ रख देते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा इट इज़ इट्स ऑल सजेस्टिव सेक्स जैसे आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा आप पुरानी फिल्में देखेंगे कितनी सारी फिल्मों में आपने जानबाज मूवी में थी अनिल कपूर डिम्पल कपाड़िया की बहुत सारी फिल्में सत्यम शिवम सुंदरम में किसिंग सीन्स लंबे होते हैं फिर नेक पे पीठ पे फ्रंटल देर वज नो टचिंग जस्ट हम्पिंग शॉर्ट्स शी इज़ टॉपलेस जैसे आपने सागर मूवी में देखा होगा डिम्पल कपाड़िया कम्स आउट फ्रॉम द ओशन शी इज़ कम्पलीटली टॉपलेस या उसका कुछ टावल गिर जाता है सत्यम शिवम सुंदरम जैसी मंदाकिनी थी जीनत अमान थी सत्यम शिवम सुंदरम ऑल दिस टाइप्स एग्जाम्पल मुझे लगा इधर बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनते हैं तो फिर वो लड़की और मैं साथ में घर आए मतलब शी ड्रॉप मी हाफे शॉज पीडी कूल वी ग्रेट फ्रेंड्स तो मुझे लगा नॉट बैड फिर ये हो गया एक हफ्ते और तभी हमारा मतलब तभी लॉकडाउन अगर आपको याद होगा तो हमारे बॉम्बे में आप लोग दिल्ली से हैं यहाँ पे एक जगह है बैक रोड करके जहाँ पे इट्स लाइक अ फैशन शो और उस टाइम पे आप सोचिए कि पेरिस फैशन वीक चल रहा है सब अपने बेस्ट कपड़ों में एक आई थिंक पाँच से आठ बजे के बीच का एक टाइम था गवर्नमेंट का तो सब अपने गाड़ी साइकिल लेके आते थे मैं भी जाता था मुझे लोगों ने वहाँ पहचानना स्टार्ट किया अरे ये तो वो हॉट शॉट्स लड़का है मैं जाता था बहुत कैजुअली फिर मैंने देखा कि एक्चुअली फिल्म आई है लोगों ने देखा है और सोशल मीडिया पर जो हमारे हमारी इंडस्ट्री में फॉलोअर्स बढ़ गए धर 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 धड़ और कुछ लोगों ने फैन क्लब्स बना दिया वो तो सब फॉर मी वॉज ऑल न्यू बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर आई डोंट नो हंड्रेड ईयर्स काम नहीं मिल रहा था तो मुझे बड़ा चस्का लगा पैसा जो भी छोटा मोटा फेम फ्रेंड्स आई वॉज फीलिंग बेटर इट वॉज लाइक थेरेपी और काम करने में तो मज़ा ही रहा है ऑब्वियसली बिकॉज एक्टिंग भी है थोड़ा मतलब किसी से रियल ना सेक्स भली नहीं कर रहे हो बट समेयर यू आर मीटिंग अ कंप्लीटली न्यू पर्सन एक लड़की जिसको आप शायद जिंदगी में कभी ना मिलो खूबसूरत है एंड शी इज डन लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक दीस सुपर कॉन्फिडेंट आपको करना है आई वाज लाइक वाओ उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इस इंडस्ट्री में तो भाई थोड़ा इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं कैसे टाइप का कंटेंट बनता है और वो कहाँ तक पब्लिश हो सकता है जैसे अभी अब ऑफ कैमरा की बात कर रहे थे थोड़ा कैटेगरी वाइज बताओ सो बेसिकली इरोटिक फिल्म आर अलाउड जितने भी बड़े बड़े ओ टी टीज हैं मोस्टली दे मेक इरोटिक फिल्म मैंने उन फिल्मों में काम किया स्टार्टिंग में और उसमें क्या erotic होता है की लिमिटेशन क्या होती है आपकी प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज नहीं होते आप पूरा टाइम अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हैं अगर लड़की ने सोचो ब्रा उतारा भी है शी इज़ अ सिलिकॉन पैडिंग डबल टेप है इट इज़ ऑल स्किन न्यूड कलर अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं और सेम हम्पिंग शॉट्स होते हैं अलग अलग तरीके के पोजिशन में बट ये आप शूट कर सकते हैं इन विद परमिशन और जैसे हम फिल्म शूट करते हैं ये आ, आप, अब आप आप हिंदी फिल्मों में नहीं होता है क्या हम्पिंग शॉर्ट्स hmm. जैसे आपने वो मूवी देखी होगी वान्स अपन शूट आउट एट वडाला hmm. या लोखंड वाला जिसमें जॉन और कंगना का एक लंबा लव मेकिंग सीन है ऑन अ बेड दे हम्पिंग आप दिल्ली डेली बेली मूवी देखेंगे शहनाज ट्रेजरी को जब एक कॉल आता है इमरान खान इज़ एक्चुअली लिकिंग जाना टाइप्स इज़ गिविंग हेड वो आते हैं ना नीचे से निकलता है तो वो क्या था वैसे यही फिल्में होती हैं बेडशीट यूज़ करते हैं तो फिल्मों में भी अलाउड है ए सर्टिफिकेट होता है ना ए अडल्स ओनली रेड कलर का सर्टिफिकेट आता है सिमिलरली हमारी फिल्मों में भी ए होता है 18, 21 प्लस तो ये, ये ये पार्ट इतना लीगल है इससे ज़्यादा हाँ, तो लीगल है हाँ बिकॉज दर इज नो पेनिट्रेशन दर इज नो रियल सेक्स सजेशन और ये सबके कंफर्ट लेवल पे बनती है ये एक्टर्स को पूछा जाता है आप कितना तक कर सकते हैं उतना तक और इसका अगर हम पे स्केल देखें तो आपका स्टार्टिंग से कम कंपैरिजन करें और अब तक कितना अगर आप रफ रेंज भी बता सको स्टार्ट मैंने किया था बीस में बीस हज़ार पर डे पर डे एक ही दिन का ही काम होता है और कितना फ्रीक्वेंट था क्योंकि आप स्ट्रगल फेस कर रहे थे कि रेगुलरिटी नहीं है एक हफ्ते में ऐसे चार चार शूट्स करने लगा मैं ओह और तभी लॉकडाउन था मुझे लगा कि दुनिया तो खत्म ही हो रही है सब मरने ही वाले हैं मैं चार पाँच फिल्में कर दूँ हु so I got into, I got got into into sucked it and so, now what how much do you you charge since you are अभी देखा जाए तो क्योंकि मैंने तब से मैं कर रहा हूँ ना तो अभी इट्स लाइक आप नेगोशिएट नहीं कर सकते फ्रेंडशिप होता है ट्रस्ट होता है मैं अपने दोस्तों के साथ ही काम करता हूँ अननोन नोन लड़कियाँ आप कॉम्प्लिकेशन्स करती हैं बाद में i don't work with unknown girls so uh बता दो खुल के बताओ कितना पैसा अभी बढ़ा है, है। डिपेंड्स की कि उसमें कितना न्यूडिटी है क्या ये है? आप जो आपने कैटेगरी बताई इरोटिक ये इरोटिक इरोटिक कहीं बता बता रहे हैं नहीं ये मैं रहा हूँ जो एक्सट्रीम है एक्सट्रीम तो वो कैटेगरी एक्सप्लेन करोगे इतना बीस से ज्यादा नहीं, नहीं मिल जाता ठीक है लड़कियों को मिलता होगा चालीस पचास एंड इरोटिका इज जो कंटेंट है वो पब्लिश होता है एप्स पे जो हमारे प्ले स्टोर और आईफोन के प्ले स्टोर अभी शायद सब हट गए हैं अच्छा शायद अगली कैटेगरी कौन सी आती है जो थोड़ा सा इससे उसके बाद था अनसेंसर्ड अच्छा अनसेंसर्ड में क्या होता है बम शो होता है ओके okay. पर तो प्राइवेट फ्रंटल दिखाते मेल फीमेल दोनों का दोनों का दिख गया भी तो ब्लर कर देते हैं या तो लॉन्ग शॉट होगा तो पर जितना नॉलेज है कि आप सेक्सुअल एक्ट में नहीं दिखाते ऐसे शावर ले रही है आ, या बाथरूम से निकल के आई है या तो टॉवल गिर गया जैसे आपने वो कौन सी मूवी थी सीक्रेट गेम्स आई थिंक ना उसमें कितने शॉट्स है ऐसे लॉन्ग शॉर्ट वही एग्जाम्पल सारे आपके बढ़िया बढ़िया है या? हर चीज के पूरे एकदम आप <laughs> रणबीर कपूर को देख लो रणबीर कपूर की जो फर्स्ट फिल्म आई थी ट्वेंटी सेवन में टू थाउजेंड से साउरिया उसका टावल गिरा था बट वो दिखाया नहीं था उनके तो वो सज शूट तो हुआ था वो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया होगा सामने से भी अगर आप शॉट देखेंगे उसका पूरा डिका एक दिखता है उस उसमें सर रैप करता है बेशरम मूवी देखी है उसकी जिसमें उसके माता पिता है नीतू मैम और ऋषि सर सर। दिखा रहा है। तो कितने किया? आप, आप सनी कौशल की वेब सीरीज देखिए थोड़ा अलग है ना कि वो नहा निकले तो, ही, तो वैसे हमारे तो तो पर आप पर्टिकुलरली तो मतलब तो वही है ना आपका और क्योंकि हम हम चाहते हैं ना लोग इसको के रात को के जो भी ठीक है 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 ये हो गया कैटेगरी इसमें हैं इसका कितना कितना होता है, कितना होता थोड़ा ज्यादा बीस पच्चीस मतलब अगर आप ये लोग तो चाहेंगे तो फ्री में करवा देंगे आपसे उनको लगता है लड़के तो मजे के लिए आते हैं जो सच है भी बट इट यू आर ऑल्सो यू आर वर्किंग फॉर समबडी तो यू डिजर्व मनी बट इनका बस चले तो एक में भी करा दे और लोग कर भी लें लोग कर भी रहे मतलब आप अगर कभी मेरे डी देखेंगे सब यही मुझे मतलब लिटरली दे बेगिंग मी सर प्लीज़ काम दे दो काम दे दो यो मैं आइडल प्लीज़ काम दे दो 500 सौ भी चलेगा आपके स्पॉट बॉय भी बना दो बट प्लीज़ सेट पे बुला लो एंड ब्रो शूटिंग कितनी डिफिकल्ट होती है व्हेन यू आर ऑल्सो न्यूड एंड द गर्ल इज़ ऑल्सो न्यूड एंड देर आर पीपल वॉचिंग जो शूट कर रहे हैं एंड यू हैव टू गेट इंटीमेट बट आप मतलब अब तो चलो आपका एक्सपीरियंस हो गया बट इनिशियली वो मतलब माहौल कैसे बन सकता है क्यों, क्योंकि वो माइंड में तो एक होता है ना क्योंकि इससे पहले जो ज़िंदगी आपने जी है वो बहुत प्राइवेट होती है ये बातें ये इंटीमेसी ये फेज सबके लिए बहुत प्राइवेट चीज़ होती है जो कोई ना दे कोई ना देखे ये ये फीलिंग होती है बट आपने वो कैसे क्रैक करा वो नर्वसनेस से कैसे वेरी नर्वस आई रिमेंबर जो मेरी एक्ट्रेस थी मैं उसको ऐसे मतलब उससे पहले हम लोग सेल्फीज ले रहे थे जोक्स कर रहे थे जो भी रील्स तभी आ गया था आई थिंक इंस्टा रील्स 2020 में शायद आया था नहीं आया था पता नहीं बना रहे थे आई रिमेंबर उसको मैं ऐसे देख भी नहीं पा रहा हूँ एंड शी इज़ लिटरली लाइक दिस जबकि उसने इससे पहले भी पंद्रह बीस फिल्में कर चुके थे और मैं कैसे हाउ डू ब्रेक द आइस एंड लिटरली मतलब जैसे दर इज़ अ कोल्ड स्वेट बोलते हैं ना यू आर स्वेटिंग बट ऑल्सो फीलिंग कोल्ड मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही और सबका नज़र मैंने देखा है हमेशा मेरे सेट्स पे सबकी नज़र लड़के के अंडरवेयर पे होती है उसका खड़ा हुआ क्यों अच्छा, <laughs> अच्छा, अच्छा अच्छा ऐसा, ऐसा हो होता, है, है? और सुनाई भी दे रहा है बोल रहे हैं हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम ना आई डोंट स्मोक आई डोंट ड्रिंक आई जस्ट हैड मे बी टी और कॉफी यूर एनी वे वेरी हाइपर

क्योंकि सोचो कट हो गया क्योंकि टेक्निकल इशू मक्खी आ गई कुछ भी तो कट तो तो होगा फिर से स्टार्टिंग से आपको करना पड़ेगा जैसे आपका ऐसे ऐसे हाथ हाथ था था तो यहां था था तो इंटरक्ट करते हो या कुछ करते हमको बिठाते हैं ड्रिंक हैं नहीं सॉफ्ट पॉन में जरूरत नहीं है एक्चुअली रियल परफॉर्मेंस तो नहीं देना तो ऑफ ऑफकोर्स खाना पीना देते हैं स्नैक्स जो आपको टिपिकल सेट पे मिलता है समोसा चाय और बैठ के एक मीटिंग होती है हर हर सेट पे आज हम ये शूट कर रहे हैं ये थीम है आप कितना तक तो कुछ लड़कियां बोलते हैं यहाँ हाथ रख सकते हो वहाँ नहीं रख सकते हो वहाँ टच कर सकते हो क्योंकि इनका बस चले तो ये लोग बहुत कुछ बना देंगे बट hmm. एक लिमिट में ही बनता था बनता है भी अभी तो ये मीटिंग तो होती है और हमको रूम में बिठा के मतलब शूटिंग से पहले नरेशन हो रही है प्रॉपर प्रॉपर स्टेप वाइज चलेगी शूटिंग फिर क्या होता है हम तो अरे सर क्या है ये नरेशन देखिए पैकअप करो ना पैसे दे हमको जाने दो हमको मालूम है ये हम्पिंग ही तो लेना है किसी तो चाहिए तो तो बाद में था विकीम के ऊपर पहले पहले बहुत बैठ के बिठाते थे सुनाते थे ये सब होता है इसमें ज़्यादा टाइम जाता है दो दो घंटे लगते हैं ये शॉर्ट्स के लिए डायलॉग तो क्या है आप आ गए साड़ी गिर गया लड़की का लड़के का पैन अगर उसका इरेक्शन दिखा रहे तो अंदर कुछ डाल देंगे ऐसा उसका इरेक्शन हो रहा है कोई ऐसा टिटी लेटिंग डायलॉग रहेगा अरे आप तो काफ़ी मूड में हैं भाभी में बाथरूम से आया ये तो दो मिनट में प्रॉम्प्टिंग में हो जाता है वैसे ऐसे हंसी नहीं आती आपको ऐसे पे कि भाई ये क्या बहुत बहुत है आप कोई ऐसा डायलॉग हो गए डायलॉग है कभी कभी बोलते हैं कुछ बोलो रोलिंग है बोलो आप क्या बोलेंगे आप तो उसको जानते भी नहीं समटाइम इज ओल्डर शी इज लाइक अ फिफ्टी ईयर ओल्ड वुमन लाइक ब्रॉड एंड बिग बास्ट एंड and आर लाइक अ मच्छर इन फ्रंट ऑफ अंड यू आर लाइक ऑलरेडी यू आर are overpowered by her beauty और उसका साड़ी गिरा रही है और वो ऐसे कर रही है बंदा तो ऐसे मिल जाए हाँ तो एंड कुछ बोलो अरे यार बोलो या कैमरा चल रहा है कुछ बोलो इम्प्रूव कर तुमने इतनी फिल्मों में तुमने वो सीन क्या किया तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया शायद मैंने कहीं देखा जितना सजोगी उतना बजोगी हर फिल्म में वो डाल देते हैं अच्छा जी जितना सजोगी उतना बजोगी तो वो दूध लेके आती <laughs> है तो.

नहीं ये कैमरा पे दिख जाएगा क्योंकि आप आपके प्राइवेट पार्ट्स भी छुपाने हैं अंडरवेयर भी छुपाना है और लड़की इफ़ शी इज़ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल मोटी सी है या पतली सी है या तो एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको भी कम्फर्ट और ए बंद कर देते हैं क्योंकि सिंक साउंड होता है वो पसीने में वो मेकअप जो भी लड़कियाँ लगा दी ना ब्रॉन्जर व्रॉन्जर सब आपके केमिकल्स जा रहा है पसीना आपका पूरा हेयर स्टाइल चला गया लड़की का विक भी निकल गया है यू नो इट्स लाइक तो भाई जैसे स्क्रीन पे देख के लोगों को मजा आ रहा होता है आप लोग फील कर रहे होते हैं कि ये कब खत्म होगा कब खत्म हो लिटरली कई बार मैंने एक शॉट किया मोटी मोटी लड़कियों को ऊपर बिठा देते हैं वुमन ऑन टॉप पोजीशन में वो हंपिंग कर करके मैं दो दिन फिर बेड पे पड़ा रहता हूँ और इंडिया लाइक रियली बिग उनको कुछ मालूम नहीं वो सीधा थप्पड़ मारो तो आपको थप्पड़ मार देते हैं उनको कुछ मालूम नहीं ना ऐसे करो थप्पड़ मार देते हैं और हाँ बोलेंगे पकड़ो तो पकड़ लेते हैं उनको कुछ मालूम ही नहीं तो अभी तो जैसे अभी आप प्रोफेशनल हो गए हो अब इतने साल से काम कर रहे हो अब कोई आपके पास कोई नई लड़की आ गई इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं तो आप उसे कैसे कंफर्टेबल uh, करते हो या फिर कैसे उसकी नर्वसनेस पहले के? तो मैं उसको बैठ के पूछता हूँ तुम इस लाइन में क्यों आए हो आई यू मैरिड डू यू हैव किड्स डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड आई यू एंगेज क्या मजबूरी है इफ़ शी इज़ डिसेंट लुकिंग इवन इफ शी इज नॉट मतलब कोई मजबूरी में ही आएगा इस लाइट हाँ ऑबियसली हाँ. मैं उनको पूछा आई यूश हंड्रेड परसेंट क्योंकि मेरे साथ दिखोगी तो गई तुम मतलब हर जगह तुम मतलब वैसी पोर्ट्रेट हो जाएगा इमेज थोड़ी वैसी हो जाएगी और फिर यही काम मिलेगा आगे भी वैसे वाला मुझे अभी बिल्डिंग्स में लेके जाते हैं तो मास्क लगा के लेके जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पॉन बनाने आ गया होगा जबकि मैं इंडिया में काम नहीं करता तो तो प्रोड्यूसर्स बहुत डर जाते हैं सपोज हम ढाबा वाबा पे जाते हैं वहाँ भीड़ जमा हो जाती है तो उनको शटर बंद करना पड़ता है तो ऐसा हो गया तो कुछ लड़कियों को मैं बैठ के पहले समझाता हूँ आप ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो कितने पैसे मिल रहे हैं कौन है आपका कोऑर्डिनेटर मैं उनकी वीडियो बाइट्स लेता हूँ क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो आपको पता है आप शेक्सपियर के साथ काम कर रहे हो भाई ये बहुत जरूरी है कभी फेक एलिगेशन उल्टा पड़ गया वो कुछ कुछ लड़की ने नहीं हाँ प्रोड्यूसर्स के ऊपर किए हैं एक्चुअली अच्छा तो वो ऐसा कुछ सीन है कि उनको पहले बताते नहीं है बोल्ड सीन नहीं ऑन द स्पॉट सेट पे बताया जा रहा है दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स जब उनका ना कॉन कॉल होता है कॉन्फ्रेंस कॉल होता है कोऑर्डिनेटर coordinator के कॉर्डिनेटर्स भी होते हैं इस इंडस्ट्री में hmm. उनसे बात होती है सौ बार समझाया जाता है देखिए इंडिया में जो भी शूट हो रहा है उसमें वैसा कुछ है नहीं देखा जाए तो हाँ आपको अजनबी लोगों के सामने कपड़े खोलने में वो डायलॉग्स बोलने में थोड़ा संकोच हो सकता है तो बहुत उनको पूछा जाता है फ़ोटोज़ वो लोग खुद भेजते हैं मैम आप मेरा और हमारे मेकर्स बहुत फीमेल्स हैं विमेन आर मेकिंग दिस मूवीज़ अच्छा सो so, बहुत मीटिंग्स होती हैं फ़ोन पे, हंड्रेड टाइम्स उनको पूछा जाता है फिर मिलते हैं घर पे रुकते हैं प्रोड्यूसर के खाते हैं पीते हैं एडवांस लेते हैं फिल्में पहले के दिखाते हैं ऐसी फिल्में हैं ऐसी फिल्म बनेगी बना आपको करना है को हम बोलते हैं ये पूरा एक प्रोसेस है अच्छा ऐसा होता है जैसे <coughs> आ, हमने सुना ही है कि जो प्रोफेशनल ये पॉन पॉन्स्टार्जें हैं बाहर के भी हैं इंडिया के भी जैसे भी मतलब वो लोग अपने साइज को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं पिल्स लेते हैं या फिर वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए पिल्स लेते हैं ऐसा कुछ होता है एक्चुअली में ऑनेस्टली साइज तो आपका पिल खा के कभी बढ़ेगा नहीं मैंने ये रिसर्च कर लिया है या पिल खा के भी देख लिया नहीं मैंने पिल कभी नहीं खाया आई एम हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक बिकॉज आई लव माई हेल्थ माई लुक्स लॉन्जिविटी मतलब आई वॉन्ट टू डू दिस मे बी फॉर एवर आई वॉन्ट टू लुक गुड सो आई विल नेव फ माई सिस्टम तो पिल्स का तो सवाल नहीं है और आई डोंट थिंक हम लोगों को मालूम भी है या तो गट्स है जाके दुकान में मंगवाने की आई डोंट थिंक सो हाँ दारू आप पी सक मूड में आ सकते हैं पर अभी देखिए जो आपका स्टेमिना है दिपेंड ऑन लॉर्ड ऑफ फैक्टर्स योर डायट योर स्लीप योर मूड वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है अगर आप से मैं पूछो कोई एक, एक ऐसे जो आपने ये फैक्टर्स बताए हैं थोड़ा और अगर डाइट बताओ कि हाँ लॉन्ग लास्टिंग के लिए क्या डाइट होती है शिवगंधा अच्छा शिलाजीत फिर बहुत सारे वर्कआउट्स होते हैं जैसे एच आई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सर्किट ट्रेनिंग्स टी आर एक्स सस्पेंशन वेट ट्रेनिंग पे फोकस मत करो फोकस ऑन बॉडी वेट तो उससे आपका इंड्योरेंस स्टैमिना कॉन्फिडेंस बेसिकली बढ़ता है तो भाई अब जो थर्ड एलिमेंट की हम बात कर रहे थे कि हम अनकट पे अनसेंसर्ड पे आ गए अनसेंसर्ड पे आ गए थे जिसमें आपके आ, पिछवाड़ा दिखता है बेसिकली पर अब हम बात करते हैं पॉन की जो पॉन की जिसमें एक्चुअली सब कुछ ही दिखता है ना परफॉर्म करते हो उस चीज को तो उसी के लिए हम दीपक ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर कि हम्पिंग शॉर्ट्स ठीक है आपका खड़ा नहीं हो रहा ठीक है वहाँ पर चल जाएगा बट वेन यू एक्चुअली हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द होल क्रू हाउ डिफिकल्ट इज दैट वेन वॉज योर फर्स्ट टाइम हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस पहली बार जब आपने करा था हम लोग इसके लिए बाहर गए थे मतलब इंडिया में नहीं करा <clears throat> कभी इंडिया भी तो ये तो ये नहीं नहीं। इंडिया में इट्स इलीगल और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी है तो एवरीबडीज लर्न लेसन कोई ये सब इंडिया में नहीं बनाता आजू बाजू में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं एंड अपलोड भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता इनके सर्वर्स बाहर के होते हैं इनके मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स भी बाहर के होते हैं इवन आप अगर मेरे इंस्टा इंसाइट्स पे जाएंगे यू ए ई इंडोनेशिया यू एस एटार सबसे फॉलो कर रहे हैं तो इंडिया में एक्चुअली बहुत कम देखते हैं बाहर ज़्यादा लोग देखते हैं बांग्लादेश श्रीलंका hmm. तो ऐसे आजू बाजू जो चीप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा मिल जाता है वहाँ जाते हैं वहीं शूट होता है तो वो सम हाउ आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड और क्या होता है अगर आपकी टीम के साथ आपकी बॉन्डिंग हो गई है ना डजेंट मैटर क्योंकि फिर ना वो चेहरे आपको परेशान नहीं करेगा पर इतना एक्सट्रीम जाना क्यों सोचा आपने कि भाई फुल ऑन इसमें जैसे होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट आई थिंक मैंने जब ये छोटे मोटे इोटिक फिल्म्स कर लिए फेमस हो गया मैं तभी भी ट्राई कर रहा था टेलीविजन के लिए क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स को अप्रोच करता था बोलते हाँ यहाँ पे ज़रूरत है फ़ोटोज़ भी भेजिए एक जी जी फाइव का शो से मुझे निकाल दिया गया फिर एक एक्सेल एंटरटेनमेंट से एक शो से निकाल दिया गया और वो कास्टिंग वाले इतना बड़ा बड़ा लेटर्स लिखते थे कि आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था बट वी कॉन्ट यू बिकॉज आप थोड़ा अलग जॉनर में पॉपुलर हो चुके हैं और हम ऐसे एक्टर्स के साथ ये मे बी फैमिली ऑडियंस के लिए है तो शायद हम आपको नहीं ले सकते सॉरी विल वर्क इन फ्यूचर वै ऑल बुलशर्ट तो ऐसा दो तीन बार मेरे साथ हुआ और फिर मैंने ये फिल्में भी छोड़ दी थी क्योंकि ऑब्वियसली घर पे जो भी पता चल गया एंड ऑल और मैं मेरा पहले से एक ही चीज़ था कि मैं इंडिया में ये सब करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता था तो फिर मुझे ऑफर्स आए फिर मेरी अभी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बहुत क्लोज था तो सिर्फ वो और मैं बाहर गए और हमने कुछ जो कंपनी से बाहर की उनके साथ शूट्स की सो आई वॉज़ फीलिंग क्वाइट सेफ एक तो शी इज़ माई आई डोंट नो गर्ल फ्रेंड बडी फ्रेंड वडेवर दोज टाइप्स बट वेरी क्लोज आई ट्रस्ट शी ट्रस्ट मी एंड वी आर क्लियर कि हम बाहर जा रहे हैं बाहर शूट कर रहे हैं नी स्टार्ट सो मेरा स्टार्ट हुआ विथ कम्फर्ट विध माई ओन फ्रेंड तो अब कैसा रहता है जब आप शूट करते हो अब बाहर जाके शूट करते हो अनकट वर्जन अपने तो अभी आप फुल ऑन मतलब बिल्कुल नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होती और अभी clear... तो मतलब पहले क्या होता था कट बोला तक क्या ले लिया अभी तो मैं ऐसे ही खड़ा देता हूँ अच्छा बट ब्रो फिर वो प्रोसेस ऐसा होता है कि मतलब आपको हाउ डू यू गेट अरा फील कैसे आती है क्योंकि वो तो एक... ये ना बहुत ही साइकोलॉजिकल है यू विल हैव टू फाइंड ब्यूटी इन दैट पर्सन इन हर कुछ ऐसा इवन इफ़ शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव नॉट योर टाइप मे बी शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल शी लुक्स टेन ऑन टेन बट आपकी वाइब नहीं मैच हो रही दैट इज़ अ प्रॉब्लम आ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड क्योंकि दे आर ऑल ओ नर्वस यू आर नर्वस तो हुआ ब्रेक दिया और वहाँ पर डिरेक्टर बोला करो 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 इट्स फॉर द मोर टैक्सिंग तो यू विल हैव टू फोकस ऑन समथिंग मे बी क्रैक जोक वो वल्नरेबल साइड उनका बाहर लाना है या तो यू जस्ट गो फॉर इट क्योंकि पैसे लो और निकलो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस तो यू स्टार्ट टॉकिंग यू इंटरेक्ट थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बात करो बट आप वाइगरा या कुछ इंजेक्शन वगैरह लेते हो जैसे की पॉर इंडस्ट्री कहा जाता है इंजेक्शन टेक करते हैं और ऐसा भी होता है हमारे सेट्स पे वो लोग बोलते हैं अगर नहीं हो रहा है मत करो आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप चले जाओ फोर्स कोई नहीं करता है 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 कभी आपने यूज़ नहीं करा नेवर एंड ब्रो फिल्म मेकिंग हो ठीक एक प्रोसेस कुछ एंगल्स है, है, तो आपको उतनी देर सस्टेन भी करना बट नेचुरल ऐसा होता है कि तुमने मतलब कम कर दिया बिग स्टार्ट किया, फुल पर अरे यार कैमरा, हाँ। कैमरा दिख गया दूसरा कैमरा तो वहाँ हटे तो हो गया तो फिर आपको फिर सिचिंग गुचिंग यू हैव टू यू शू फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम ना आई बिकम वेरी सेल्फिश आई डोंट थिंक अबाउट हाउ मतलब मैं उसको प्लेजर करने के लिए नहीं करूँ मैं सोचूंगा कि मेरा कैसे पहले हो फिर मैं उसको कंफर्टेबल करूँ पर ऐसा हुआ है कि हो ही नहीं रहा है फिर एक नहीं नहीं मेरा ऐसा ऑनेस्टली जब मैं इस लाइन में इसलिए आया क्योंकि ऐसा था पहले कि किसी ने अगर मुझे देख भी लिया तो मैं अराउज हो जाता था मेरे कान लाल हो जाते थे हवा निकलती थी तो और मेरा इस लाइन में आने का इंटेंशन भी यही था टू मे बी मे बी अ करियर ऑल्सो द वे जो स्टार्टिंग में आप बता रहे कि जो हम पिंक वाले शॉर्ट्स कैटेगरी <coughs> में आप काम करते थे आप वो इन्जॉय नहीं करते थे करता था। नहीं। तो उस टाइम क्या होता था कई बार हमने बेडशीट्स यूज किए हमारा रियल सेक्स हो गया है क्योंकि अभी when you, when you do it, अभी तो आप इन्जॉय करते हो फुल अभी, अभी मैं इन्जॉय करता हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ मैं उसे मिल चुका हूँ बातें हो चुकी हैं या तो आ, शूट से पहले थोड़ा इंट्रैक्शन हो चुका है तो अच्छा थोड़ा इस बारे में बताओ जैसे अभी जो आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे लॉन्डे लपाटे या कॉलेज के दोस्त होंगे उनसे भी टच में हो आई टेल यू मेरा जो आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड गाय आई थिंक आई यूज़ द कैमरा टू मेक माई सेल्फ हैप्पी अगर मेरा कैमरा नहीं होता जिंदगी में बहुत ही कोने में नहीं होते है जो लोग पार्टी में कोने में होते हैं क्लासरूम में hmm. कैमरा आते ही आएम लाइक अ डिफरेंट पर्सन जैसे बोलेंगे कट आई एम लाइक एनर्जी इज़ गॉन जैसे बोले एक्शन नाइन इमोशंस फेस पे आ जाएंगे hmm. तो मेरे वैसे भी स्कूल में कभी दोस्त नहीं थे आई वॉज़ वेरी सेक्लूडेड आइसोलेटेड आई वॉज बुलीड आई वॉज़ फैट आई वॉज चबी पिम्पल्स एंड ऑल चश चश्मा लगा के तेल लगा के बैड इन स्टडीज़ बैड इन स्पोर्ट्स बैड इन एवरीथिंग तो नो बडी आई थिंक कैड ओनली मेरे माँ बाप ने मुझे नाम दिया था शेक्सपियर जिसकी वजह से मैं फेमस था और कोई क्वालिटीज नहीं थी उसको सपोर्ट करने में आई थिंक सो क्वालिटीज़ होंगी जो अब बाहर आ रही हैं <laughs> शायद लेट <laughs> ब्लूमर yeah. तो मेरे आ इतनी हुई नहीं मतलब। मेरे हुई नहीं अभी अभी हमारा ग्रुप बना है व्हाट्सएप पे मैं कुछ लिखता ही नहीं वहाँ पे मेरे बर्थडे पे सब विश करते हैं मोस्ट कलरफुल पर्सन का इंडस्ट्री के का ग्रुप है फिर आपके अंदर नहीं नहीं मेरे स्कूल फ्रेंड्स अच्छा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तो लिखते हैं यार शेक्सपियर का ये चल रहा है शेक्सपियर तो मौज मार रहा है जो हम सोचते थे हमें करना है तो And यार कैमरे पे करना पड़ी यार सो दे आर शॉक की इट्स एक्चुअली मी और मेरी मॉम स्कूल में टीचर थी सो so, होता ना अगर आपकी मॉम टीचर है तो आपको वैसे भी लोग और नज़र में उतर इट्स वेरी डिफिकल्ट ग्रोइंग अप आई आई डोंट नो मे बी आई मेड इट डिफिकल्ट और मे बी आई आई वॉज लाइक दैट उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो पेरेंट्स का भी बता ही दो कि उनका क्या रिएक्शन था पेरेंट्स के साथ क्या था कि मैं बॉम्बे अकेला आ गया था तो मैं बहुत साल अकेला रहा सो so, उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि इतना स्ट्रगलिंग फेज़ में हो आप बहुत डिफेंसिव हो ऊपर से काम है नहीं है तो पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका नहीं मतलब ऐसे नहीं उनको उनको एक्चुअली मालूम नहीं था तो उनको पता था कि ये सूटकी से लेकर कोई शूट पे चला जाता है बट अभी वो लोग नहीं देखते थे तो उनको एक्चुअली पता नहीं था मुझे याद है इट वॉज़ ट्वेंटी सिक्स जनवरी ट्वेंटी पापा को किसी ने भेजा मेरा खेल क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रोफेसर और ये कौन से वाले वर्जनल क्लिप भेजा आपका अनकट uh, अनकट तो माय फादर्स एग्जैक्ट एस एम एस भेजा उन्होंने आई एम डेवेस्टेटेड आई नीड टू टॉक मैं समझ गया एंड लिटरली आई वाज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ मतलब मुझे लगा उनको पता ही नहीं चलेगा ही फ्रॉम अ डिफरेंट एरा यार मालूम तो पढ़े जाना है एक बार बताओ घूम फिर के देखो वीडियो तो आई जाएगी घर वालों पे ये तो छुपाई भी छुपा, नहीं छुपा ऐसी चीज़ तो और आ गई और वो जो पापा का जो टोन था मैसेज कैन आई नो हिम ही वाज एक्चुअली अशेम्ड क्योंकि मेरे फादर इज़ अ वेरी लिटरेरी फिगर ही इज़ अ पोएट ही इज़ अ प्रोफेसर वो सारे प्रोग्राम्स uh, में जाते हैं एज अ गेस्ट बच्चों को काउंसलिंग देते हैं सो ही वॉज एक्चुअली अशेम्ड whatever आई डी नो वॉट टू डू तो मैं दो दिन घर नहीं गया लकीली मेरी फ्रेंड आई थी कोलकाता से तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती उस उसके साथ रहा फिर पापा समझ गए कि मैं घर ही नहीं आ रहा तो मैं ऐसे जाता था कि जैसे मुझे पता है वो दस बजे सो जाएंगे तो ग्यारह बजे गया फिर सुबह निकल गया बिफोर हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन देन ही रोड इज्स ओके इफ़ यू आर डूइंगट डोंट गेट इन डू इन ट्रबल ऑल देट फिर एक एस आया फिर मैं घर गया फिर उनको तब तक <coughs> लोगों ने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था माई सिस्टर इज ऑल्सो वेरी पब्लिक फिगर शी इज़ लिटल इन टू पॉलिटिक्स वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट शी डज़ होस्टिंग एक्टिंग सोशल वर्क एन जी ओज के साथ काम करती है और मैंने क्लियरली बोला है कि मेरे साथ फ़ोटोज़ में डाला है ब्लॉग दन मै सोशल मीडिया एंड आई टेल दैम नेवर गूगल मी क्या पता नहीं क्या हाथ लग जाए सो so, और मॉम का क्या रिएक्शन था जब उन्हें मालूम लाइक आई डोंट केयर टाइप्स उसके लाइक जिंदा रहो खाओ पियो सो जाओ बट वो आप मिलते हो उनसे बात बात होती है हां जब झगड़ा होता है बोलते हैं साला पॉन स्टार <laughs> मतलब बॉन्ड कैसा भी आपका मैं जानना चाहता हूं बेसिकली अपनी मॉम से मतलब मॉम के साथ पहले तो प्यार है ऑफ कोर्स हाँ, है रिस्पेक्ट है, है कम बात करते हैं बट ऑफ कोर्स आई एम द ओनली सन एंड शी इज़ अ वेरी गुड मॉम शी टेक्स माई डैड हेज गॉट ए डिजीज़ नाउ इज गॉट पार्किंग सन्स जिसमें बैठने उठने में बहुत तकलीफ होती है नर्वस काम नहीं करते तो शी इज़ डेडिकेटेड टू माई डैड माई सिस्टर मी ऑल थ्री ऑफ अर्स तो वी आर एक्चुअली वेरी क्लोज आज एक्चुअली इन फैक्ट आज हम लोग लंच पे गए थे फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज ईयर्स मतलब मेरा बचपन से ले कर स्ट्रगल से ले के आज पापा ने बोला आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ माई सन अच्छा आई कूडन लुकेट इन मेरा थोड़ा मतलब वो हो रहा था आई वॉज चोकिंग But uh, my sister and me, and he also said, I'm proud of my daughter, I'm proud of my son. Because he a to the movie, so you know, it's about family and all, he got emotional, I got emotional. So, my mother, I know she's a silent figure, but she's, she has her episodes. Your podcast won't if I start talking about her. But, uh, neutral, I would say, they're not proud of it. They're not ashamed, they just don't, they're like, what can do, they don't have a choice basically. Maybe I've misused my privilege. भाई थोड़ा उस बारे में बात करते हैं कि जैसे अभी आपकी क्लिप्स नहीं नहीं, नहीं, नहीं बोरिंग ये भी बढ़िया ये इस बारे में बात होना भी जरूरी था हो गया आई एम एक्चुअली नॉट आई डोंट टॉक अबाउट माई फैमिली उतना मैंने कहीं भी उनका मदर्स डे हो फादर्स डे हो पर बहुत मन करता है यू नो सब डालते हैं सिस्टर का बर्थडे है बट आई कॉन्स्टेंटली जाने दो भाई तो क्योंकि आपका इंस्टा बहुत ऑपोजिट है अभी खुद से ही अपने आप को सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट मॉम को अपने साथ ना दिखाएं अपनी फैमिली और, और एनीबडी अच्छा क्वेश्चन मेरा यह था कि अभी आप इस इंडस्ट्री में हो प्रोफेशनली काम कर रहे हो इंडिया के बाहर भी कर रहे हो इंडिया के बाहर ही कर रहे हो बेसिकली तो मतलब सिर्फ इंडियन गर्ल्स के साथ करते हो या अलग अलग कंट्रीज़ की गर्ल्स के साथ आपने काम किया थोड़ा बताओ कौन से कौन सी कभी कभी वहाँ के लोकल लड़कियाँ भी होती हैं आई डों देश कंट्रीज़ क्योंकि अभी मुझे जाना है तो आई आई डोंट नो नीम दिस कंट्रीज बट कभी कभी वहाँ के लोकल फीमेल्स भी होती हैं रशियंस के साथ मैंने काम किया है So, सो खुश करा आपने या वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप मतलब वो मैंने एक इंस्टा का वर्जन तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना एक्ट कर रही हो नहीं, उस नहीं, 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 कर नहीं 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 उसका एक बाइट है अच्छा। उसने बोला कि उसका इंडिया में एक भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था हो गई मतलब आपने बढ़िया दिला दी मौज हाँ बिकॉज उसकी नॉट ओनली इन इंडिया उसकी सैड स्टोरी थी जो उन्होंने बताई हाउ शी वॉज अब्यूज वेरी यंग एज वो एक डांसर थी यूएस में उन्होंने ये बताया था कि उसका जो बॉयफ्रेंड था शेड अ प्यरसिंग ऑन वजाइना वो खींच दिया था शी इज़ थ्रू सो मच शेड एंड शी दैट तो शी वॉज इमोशनल एंड वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा इट्स ए नॉर्मल वीडियो मैंने इंस्टा पे डाला जस्ट टू शो कि वो कितनी खुश है मेरे साथ काम कर क्योंकि आई एम अ थॉरो जेंटलमैन एंड आई एम वेरी जेंटल बाय नेचर ऑल्सो अगर आपका होता है ना जैसे सेक्स में वनीला स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आई एम प्योर वनीला इजी गोइंग नो कॉम्प्लिकेशन आई लाइक बी डी एस एम बॉन्डेज एंड ऑल बट मेरा अप्रोच इज़ वेरी जेंटल सॉफ्ट सॉफ्ट स्पोकन ऐसे ही हूँ मैं तो शी वॉज लिटरली सो हैप्पी पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इंडियन पॉलस्टार्स की इमेज कैसी है उनके उनको अगर देखा जाए तो वो कैसे देखती हैं मतलब कि ये सही होंगे या नहीं होंगे ऐसा कुछ शी है अप्रीहेंशंस उनको लगा नहीं था कि इतना स्मूथ जाएगा बट वी हैड वेरी गुड टाइम हमने और भी शूट्स के प्लान किए बट हुआ नहीं क्योंकि वीज़ा कुछ एक्सपायर हो गया शी वुडन ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री क्योंकि तो भाई जो इंडियन लॉन्डे हैं इंडियन मैन है उनका जनरल परसेप्शन फॉरेनर गर्ल्स में क्या है क्योंकि जैसे बाहर के लड़के होते हैं वो थोड़े टॉल होते हैं एवरेज हाइट ज़्यादा होती है मस्कुलर होते हैं उनकी डाइट थोड़ी वैसी होती है कि वो उनकी फिजिक ज़्यादा बेटर होती है ऐसा ऐसा है बट मतलब परफॉर्मेंस वाइज कैसा सो देखा जाता है और डिक साइज के no, हिसाब से नथिंग लाइक दैट आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम ऑन माय थर्ड पासपोर्ट सो आई हैव बीन टू यूरोप एशिया यूएस मेरे पीछे तो एक अमेरिकन औरत प्यार में पड़ गई थी वो इंडिया आ गई थी तो आई थिंक जो मे बी फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो होता होगा बट आई थिंक दे ऑल लव इंडियन गाइस थाईलैंड भी जाओ नेपाल भी जाओ दिस इंडियन गाइज आर द स्वीटेस्ट

सब गई थी वो बी यूपी साइड गंगा सबने दर्शन किए सब तो शी वॉज एक्चुअली इन लव शी हेर अ चाइल्ड तो मे बी दैट वॉज द रीजन आई टू गेट अटैच बिकॉज आई वॉज ओनली ट्वेंटी एंड शी वॉज आई थिंक थर्टी प्लस तो शी वॉज अपसेस्ड अब भी और उसने मुझे आई शुड टेल दिस जेन ऑस्टन जो एक बहुत ही बड़े राइटर हैं लाइक विलियम शेक्सपियर उनका ओरिजिनल बुक ऑक्शन करके मुझे भेजा था जेन ऑस्टन की फिल्में जैसे प्राइड एंड प्रेजिडिस Uh, आयशा मूवी बनी थी सोनम कपूर की उसका जो ओरिजिनल वर्जन है उन्होंने लिखी थी uh, जो मूवी बनी थी प्राइड एंड प्रेजुडिस आई थिंक ऐश्वर्या राय ने एक मूवी की थी ब्राइड एंड प्रेजुडिस उसका ओरिजिनल बुक उन्होंने ऑक्शन करवा के मुझे भेजा था क्योंकि आट्स अबाउट लव अच्छा इट्स तो so प्यार में, प्यार में थी यूज्ड टू सेंड मी एला फिटर गैल करके एक जैज सिंगर है शी इज़ लाइक मतलब जैसे सुरैया थे वैसे पुराने कैसेट्स सी डीज सॉरी भेजती थी कॉल्स करती थी शी वॉज शी डिड अ लॉट फॉर मी आई वॉज नॉट इन लव बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर बट वो प्यार में थी तो अभी भी वो हिंदी फिल्में देखने जाती है जैसे उस टाइम पे जितनी फिल्में आई थी और म, म, मैं रेकमेंड करता था अभी भी वो जाती है जैसे शाहरुख खान की फिल्में आती है ये सब देखने जाती है दिदृश्य हम ये सब देखने गई थी वो थिएटर में और बहुत पहले की स्टोरी है ये तो शी इज़ इन लव विद इंडियन कल्चर अच्छा भाई जैसे आप प्रोफेशनली पॉन स्टार हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आ, गर्ल्स के लिए कि डेग साइज़ एक्चुअली मैटर करता है कि आपको क्या लगता है आई डोंट थिंक इट मैटर्स लड़कों को बहुत मैटर करता है वो आपस में ईगो के लिए लेके तेरह मेरे से लंबा है मेरा बैंक बैलेंस कंपेयर करते हैं गाड़ी किसकी बड़ी है घर किसका बड़ा है साइज़ किसका बड़ा है बचपन में भी आपको याद होगा जब सुसु वसू करते थे इस देख लिया सा इतना है ये लड़के करते हैं लड़कियां कभी नहीं करती हाँ वो अगर आपकी चुगली करनी है आपका मजाक उड़ाना है आपको बदनाम करना है तो बोल देगी बट कभी ये सुनने को मिला है व्हेन इट कम्स टू प्लेजर तब तो मतलब प्लेजर के टाइम पे तो ऐसा होता होगा ना कि अगर जितना दे वांट थिकनेस इट्स इट्स अ थिकनेस और कुछ चीज़ें हैं जैसे सैटिस्फाई आप कैसे करते हो कुछ लड़कियों का अगर उनका ऑर्गेजम होता ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे ना सारा प्रेशर आप पे डालेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा नहीं हुआ बट एक्चुअली उनको ऑर्गेजम होता नहीं Right. जैसा लड़कों का होता है ना आई एम कमिंग वो नहीं होता उनका तो देम ऑन यू खुद में दिक्कत हाँ पर दे आपको ऐसा लगता है कि मैटर करता है so. uh, इंडिया में क्या है इवन इन जो अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है वहाँ पे भी मैटर नहीं करता ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये शुरू से हुआ जब मतलब ये आपस में लौंडे लौंडे नहीं शुरू कर क्या क्योंकि मैन आ वेरी टेरिटोरियल ये मेरा इलाका है मैं यहाँ का राज जाऊँ मेरा बड़ा है ये लड़की बंदी मेरी है ये मेरा घर है मेरे पास पैसे हैं तेरे पास क्या है आई थिंक इट स्टार्ट फ्रॉम दैट भाई वैसे आपने कितने बंदी के साथ कर लिया अगर मैं काउंट काउंट बॉडी इतने के साथ तो मैंने कर लिया है ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा ऑन कैमरा भी ऑन <laughs> कैमरा तो रहने दो ऑफ कैमरा बताओ टोटली बता दो <laughs> 200 फिल्में तो मैंने की है अच्छा एक्ट्रेस स्पीड भी होंगी हां तो उससे ऑन एंड ऑफ उतना या उससे कम उससे ज्यादा भी हो सकता है 200 तो फिल्में करी हैं जब ट्रैवल कर रहे हो फिल्मों के अलावा भी तो कर ही होगा हां 400 मान नहीं 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 3 आई डोंट नो आई डोंट वांट टू से बट आई डोंट नो मे बी टू हंड्रेड तो आई थिंक सो भाई आप कॉन्डम यूज करते ऑल ऑल द द टाइम में भी टाइम और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते मतलब आपको शूट करते हुए कहते नहीं कि अरे यार यार्डम हाँ, निकालने तो के लिए, लिए बोलते हैं जैसे कुछ शॉर्ट्स के लिए क्योंकि प्लेजर नहीं मिलता ऑडियंस को हमको फोर्स भी करते हैं बट हम पहनते हैं अगर आपको ट्रस्ट है बंदी पे सपोज आपकी पार्टनर है आप उनके साथ लगे हो तो आप मैंने किया है कई बार बट अगर डाउट है तो मैं पहन लेता हूँ अच्छा थोड़ी ऑन uh, सेट बता सकते हो आप कि कुछ कुछ अलग हो गया हो एक दिन कुछ बकचोदी हो गई हो कुछ यादगार की भाई ये तो भाई अलग ही किस्सा पूछ रहा है कोई किस्सा बताओ तकड़ा एक बार ये पॉन नहीं था दिस वाज सॉफ्ट इरोटिका बीच वाला था तो हम सेट पे आए बहुत ही सुंदर लड़की थी वेरी वो लपचियस डस्ट इन अ वे बट स्लाइटली लाइक मच्योर हर बार ना बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही कुआं एक आवाज़ आ रहा है कुआं कुआं तो मुझे लगा शायद नेबरहुड में किसी का बेबी हुआ है क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे थे तो फिर जब हम लोगों ने अंड्रेसिंग किया उनके बॉडी से ना मिल्क का स्मेल आ रहा है ओके okay? फिर मुझे डायरेक्टर बोलता है कि ज़्यादा हिलाओ मत शील स्टार्ट मिल्किंग एंड लिटरली हा हजब हैज़ कम विद अ चाइल्ड वो दूसरे रूम में बैठे अच्छा और आई वॉज लिटरली शॉकड मेरा जितना भी मूड था उतना फ्रेश लड़की है हाउ विल शी टेस्ट क्या आपका जस्ट चला गया बॉडी से एक स्मेल आ रहा था hmm. फिर एक इंसिडेंट हुआ हम लोग शूट कर दिस वॉज़ आई थिंक बहुत पहले का ये भी आउट ऑफ इंडिया था एक बहुत सुंदर लड़की थी लंबे बाल लाइट आइज ब्यूटिफुल कंप्लेक्शन टाइट बॉडी मतलब थोड़ा अजीब सा टाइटनेस ठीक है तो हमने शूटिंग स्टार्ट किया एंड शी वज लाई हाँ सर जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे वैसा हाँ 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 करिए तो हमने शूट स्टार्ट किया तो आपका हा गया आई लिटर सॉ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम हर निपल्स मुझे लगा शायद मॉइस्चराइजर होता है ना नहाने के बाद लगाते हैं yeah. शी इज़ एक्चुअली लैक्टे टेन बोली प्लीज़ शूट मत रुके सर क्योंकि वो स्मेल आने लगा मेरे मुँह में चला गया तो आई सेड मतलब यू कैन इमेजिन और हमारी मेकर एक औरत थी वो दिन शॉर्ट लगाओ अच्छा <laughs> शॉर्ट लगाओ लो लो क्लोजअप लो एंड शी वॉज लाइक सर आप प्लीज करने दो मेरा जस्ट बेबी हुआ है वो हस्बैंड के पास है अगर ये नहीं होगा तो मैं उसको शायद खाना नहीं दे पाऊँगी इमोशनल भी है मैम आई एम अबाउट टू बर्स्ट आउट आई एम वेरी सॉफ्ट हार्ट ऐसे किससे हुए तो भाई ऐसे किससे चलो फिर इसमें तो आप बच गए क्योंकि आपको

डायरेक्टर कभी खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है टू मेकर्स फील कंफर्टेबल या तो कभी वो खड़ा है उसका एडी भी होता है इतने सारे लोग मतलब दस बारह लोग और प्रोड्यूसर तो ऐसे आ रहे मतलब अच्छा भाई जब आप आप एक्ट कर रहे हो इन द मोमेंट आप लोग का तो मूड बन ही तो जो पीछे बैठे उनका अलग मूड बनता होगा कई बार मैंने देखा है आई कैन सी इरेक्शन कैमरा मैन लेकर चल रहा है और अपना सिस्टम एंड ही इज एडजस्टिंग ओके okay, और हमारी जो लेडी प्रोड्यूसर थी वो सबका चेक करती थी खड़ा हुआ मतलब सीन हिट है अच्छा, अच्छा अरे ये तगड़ा तो तरीका तो वो बोलती मैडम मुझे मत टच लो कुछ बोलते थे मुझे मत टच करो अरे इसका खड़ा नहीं हुआ अरे दम नहीं पिक्चर यार नहीं कुछ करो यार शेक्सपियर कुछ करो भाई आपने थ्री सम री सम करा है अभी एक फिल्म था इसमें तीन लड़कियां थी तीन लड़कियां तो फोर सम फोर सम हो गया फिर फोर सम जैसे टू कपल्स तो उसमें भी आपने ऑर्गेनिक के लिए ही चले या पिल भी भाई में लेकिन हाँ यार मतलब उसमें तो लेनी पड़ी होगी भाई जब तीन तीन तो ली तीन को खुश करना है भाई। हाँ और मुझे याद है वो किस्सा जो एक्ट्रेस थी उसके साथ तीसरे दिन वाला शूट था और मैं जब भी भी जाता था लंच करने के लिए जो हमारा रेस्टोरेंट होता था उस होटल में मुझे देखती रहती थी ऐसे लाइक एक विच ऐसे देखती ना ऐसे मतलब जैसे घोस्ट को देख लिया या ऐसे ही कभी भी देखो ऐसे देख रही है वेरी सिम्पल गर्ल तो फिर जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ मैंने बोला मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तभी तू रूम में बैठ क्योंकि मुझे इस पर ना मतलब डाउट हो रहा है मैंने उसको पूछा उसने पहले से काम कर चुकी थी वो और उनके साथ सीन स्टार्ट हुआ और हमारा सीन हो गया और मैं जो हमारा सीन था यू ना यू टू फिंगर व आई हैव नेवर सीन अ गर्ल सो वैट लिटरली आईट पुट माई हैंड्स एंड लाइक एन अवन फिर हमारा सीन हो गया फिर हम नहाने जाते हैं ना सीन के बाद वहाँ पे भी मुझे खींच रही थी वो हमारा सीन हो गया फिर डायरेक्टर को बोलती है कि मैम जिंदगी में पहली बार मेरा ऑगेजम हुआ अच्छा तो मेरी मेरी तभी जो जिसके साथ मैं तभी इन्वॉल्व था वो बैठी थी सेट पर वो आपकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थी वो आपकी फक फकबड़ी शॉर्ट ऑफ थी जो आप बता रहे थे वही आई है हाँ okay. को स्टार okay. बेस्ट वे टू पुट इट क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है मॉडर्न में काम है तो यू डोंट नो एक्चुअली रिश्ता क्या है भाई वैसे आपने कभी सोचा है कि मुझे सेटल uh, होना है शादी एंड ऑल ऑफ़ दैट या फिर अभी बस माइंड इस इस तरफ कि मुझे बस अब अपने करियर पे ध्यान देना यही काम करना है या कुछ सोचते हो प्यार करने की भी सोचते हो आई थिंक आई कैन नेवर गेट मैरिड आई थिंक सो क्योंकि एक तो मुझे लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं है लड़कियों पर ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं है क्यों Uh, मेरे साथ कुछ किस्से हुए ऐसे एंड आई डोंट मीन चीटिंग लॉट ऑफ थिंग्स कंपैटिबिलिटी इश्यूज आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड गाय आई आई लव माय स्पेस वीमेन आर लाइक आपको पकड़ के रखेंगे मैं जिस फील्ड में हूँ इस फील्ड में अगर आई आग सेटल डाउन एक तो मेरा एक करियर बंद मेंटल फक दूसरा बच्चे तो मैं कभी कर नहीं सकता क्योंकि कल बच्चे स्कूल जाएंगे गूगल पे सब है सो आई डों दे आर टायर्ड पर भाई अगर आप इतना ओपन हो इस चीज को ले गए की आपको पसंद है तो आपको इस चीज का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे बाहर के भी पॉन स्टार होंगे उनके भी बच्चे होंगे आई एम अ वेरी डिफरेंट गायरी कंजर्वेटिव गाय बाई नेचर आप प्लान करते हो कभी कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ <coughs> इंडिया में नहीं जाओ आई कांट लीव माई पेरेंट्स एंड दे वीव इंडिया सो एंड आर लाइफ इज प्री कम्फर्टेबल हियर तो वो शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं और डैड जिस हालत में है उनका पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल सब है तो वो तो नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन शिफ्ट आई कैन गो वर्क जैसे मैं करता हूँ काम करके आ जाता हूँ बट आई कॉन्ट शिफ्ट अभी इंसाफ़ फेमस हो अपनी इंडस्ट्री में और आप काम भी कर रहे हो लगातार सालों से काम कर रहे हो तो अभी अगर मैं पूछूँ हाउ मच मनी यू मेक इन अ मंथ या आप कौन सी गाड़ी चलाते हो क्या

उस बंदे को गुस्सा आ गया हो कि भाई ये नेगेटिव नेगेटिव या वे में भाई कि भाई पीछे पड़ गया हो कोई अश्लील हरकतें समाओ मेरा चेहरा ऐसा है मुझे जो भी देखता है दे बिकम वेरी स्वीट टू मी कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा यार क्योंकि पीपल आर मोलेस्टेड मी एट क्लब्स लाइक गाइस दे कम एंड हग एंड किस एंड टच योर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल वो होता है पहले मुझे बहुत इरिटेशन होता था बिकॉज मैं किसी के साथ हूँ शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री मेरे इस इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत बड़ा सर्कल है लॉट ऑफ टी वी एक्ट्रेसिज आर माई फ्रेंड्स सम यूज टू बी सम आर नॉट आफ्टर कटिंग दिस प्रोफेशन दिस इंडस्ट्री मतलब ओपनली हम कुछ नहीं डालते लाइक फोटोज और वगैरह क्योंकि मैं पहले से काम कर रहा था तो वो बॉन्डिंग सब है एंड दिस इन अ वे सिंपथाइज विथ मी कि चलो इसको कुछ मिला नहीं कर रहा है बट चलो कर रहा है घर बैठ के कि किसी को चीट नहीं कर रहा है फ्रॉड नहीं कर रहा है तो घूमते रहते हैं एंड ऑल तो हुए किससे जब यू नो ग्रुप्स में आके वो सब करते हैं फोटोज़ के लिए एंड ऑल बट आई थिंक इट्स ऑल अब भी मैंने मैं समझ गया कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको यही प्यार मिलेगा यू नो ना पॉलिटिशियन की आपके ऊपर माला जाएगा ताली बजेगी दे विल ट्राई टू गेट लिटिल क्लोज किसी एक्ट्रेस का नंबर मांगेंगे नंबर नहीं दिया तो यू uh, नो you know, तो मैं अवॉइड करता हूँ बट यूजअली जितने भी हुए हैं ज़्यादा करके नाइट क्लब्स में होता है क्योंकि आर ड्रंक और एनि देर नॉट फ्रॉम बॉम्बे घूमने आए हैं बॉम्बे फिर तो मैं गया मेरे टेबल पे आएंगे पकड़ेंगे इस वीडियो कॉल करके दिखाएंगे ये सब करते हैं किसके साथ हूँ ऐसा होता है जैसे मान लो आप नाइट क्लब्स में हो या फिर कहीं पार्टी कर रहे हो तो आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है आप उसको अप्रोच करते हो या फिर वो आपको अप्रोच करती है आप उसको पसंद आ गए तो आप उसको अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हो वो आपको नहीं जानती बताते हो मैं सच बताऊँ मैं इतना जूस्ड आउट हो गया हूँ ना मेरे में और एनर्जी नहीं है किसी लड़की को जगह हाई आई एम शेक्सपियर असल में आप पे ऑप्शन भी तो इस टाइम अनलिमिटेड चल रहे हैं इस टाइम और अगर मैं अगर मैंने दो दिन से सेक्स नहीं किया है आई एम हैप्पी कि चलो थोड़ा ब्रेक नो बड़ी स्टचिंग में मैं अपने घर पे सो रहा हूँ तो मुझे और अप्रोच ऐसा भी हुआ है एक बार एक क्लब में मैं गया अ बिग क्लब यहाँ पे उसकी ओपनिंग पे गया था मैं एक लड़की ने मुझे पकड़ा स्मूच कर लिया तो मैं जिसके साथ गया था उसने मुझे थप्पड़ मारा उस दिन में मैंने रियलाइज़ किया कि वाई एम आई डूइंग दिस चीप थिंग्स यू नो कोई किसी ने पकड़ा किसके लिए तो आई वो किस्ट आ बैक आई फॉट कि मैं किसी के साथ हूँ hmm. तो बहुत सारी चीज़ें मैं समझ गया कि ऑप्शनस हैं कंट्रोल करो किसी को देखा देखो बस खत्म करो क्योंकि यू आर नॉट स्टाविंग फॉर सेक्स बताओ भाई कह रहे दो दिन से सेक्स नहीं करा और इसकी तो रील कट जाएगी कि बंदे नीचे सो रहे रो रहे कि काश ऐसी जिंदगी होती भाई <laughs> दो दिन से सेक्स नहीं करा मैं खुश हूँ लौंडे दो साल तक ऐसी रील कर दो साल छत साल, साल मान हाल चल रहा लौंडो भाई जी एक बात और बताओ आ, कभी ऐसा ऐसी कोई स्क्रिप्ट भी आई है जैसे आपके साथ इतने ऑकवर्ड मोमेंट्स वाली <coughs> स्क्रिप्ट वो कर देते हैं मसाला डालने के लिए कभी थप्पड़ मारो कभी थप्पड़ खाओ वाइल्ड और आपका मिजाज थोड़ा जेंटल कभी ऐसी भी कोई क्रेजी स्क्रिप्ट आई है जिसमें आपको लड़कों के साथ सेक्सुअली इंटरक्ट करवाया गया सीन्स uh, में टच होता है लाइक like, सपोज एक लड़की है दो लड़के हैं एक मैंने मूवी की थी उसमें तीन लड़के थे और एक लड़की थी। एक लड़की थी तो क्या होता है ना कि मतलब अब देखिए ये कैमरा है आप दूर दूर खड़े भी नहीं हो सकते आपको पास आना पड़ेगा तो वो जितना टच हो रहा है उतना टच और कुछ लड़के कैसे हैं हाथ रख के भी पीछे कुछ कर रहे हैं अभी आप ऐसा करेंगे तो पूरा शॉट खराब हो जाएगा तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तो यू हैव टू इग्नोर बट भाई ऐसे केसेस में इरेक्शन होने में प्रॉब्लम नहीं होती आई थिंक अभी मतलब ये चलो आपके लिए काम है बट वो एक प्रोसेस तो नेचुरल है ना वो तो तभी होगा जब आप अराउज हो गए या आपको वो चीज चाहिए होगी क्योंकि एक तो नेचुरल चीज है तो होता है जैसे सपोज मेरा सीन चल रहा है वहां पे ऑल आई सी इरेक्शन उसका निकल रहा है जो भी यू हैव टू फोकस समवेयर एल्स आपको स्मार्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हो सकते हैं यहाँ पे यू आर अ यू आर एन आर्टिस्ट इसको पर डे पे बुलाया गया है फॉरेन के टिकट देके होटल में रख के तो आप ये सब नहीं कर सकते सब पर डे पे हैं टेक्नीशियन भी पर डे पे हैं प्रोड्यूसर वहाँ पे चिढ़ रही है क्योंकि उसका लोकेशन का ओवर टाइम हो गया है और आप क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है आपको ये सब झेलना पड़ेगा कई बार सोचो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो द होमोसेक्सुअल्स the तो वो क्या करेंगे आएंगे पोजिशन के बहाने आपको टच कर देंगे अच्छा। अभी आपको पता चला बट यू हैव टू इग्नोर इट आएंगे ऐसा करेंगे आपको ऐसा हाथ लगा दिया मुंह ऐसा कर देंगे अंदर भी हाथ डाल दिया माइक डालने के चक्कर में माइक दादा लोग क्या करते हैं ना माइक पहनाने के बाद कुछ करके चले जाते हैं बट यू हैव टू इग्नोर क्योंकि अभी आप आए हो आपके साथ यही होगा ऐसा सेट है आप हर बात पर अगर एक

तो सोचो अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हमने पहले दो वीडियोस कर चुके हैं और नहीं हो रहा है रात के बारह बज चुके हैं मैं बोलूँगा पैकअप भले ही मेरा झगड़ा हो रहा है प्रोड्यूसर के साथ ऐसा भी मैंने किया उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया नहीं ये बात अलग है या तो उन्होंने बियर दिया और ये जो लोकल बियर होते हैं जैसे उस कंट्री के वो बड़ा स्ट्रांग होता है जैसे रम है लोकल कुछ आपने खाया पिया या तो आपको डाइट वैसी रखनी पड़ेगी और आपको ना माइंड में उस दिन मैं सिर्फ पौन देखता हूं बैठ के रूम में मैं और कुछ देखता ही नहीं क्योंकि माइंड आपको पूरा वो जैसे इट्स लाइक मेडिटेशन वन ट्रैक माइंड वैसे आप किस इंस्पायर्ड हो रहे हो जो इस इंडस्ट्री में कोई फेमस एक्टर हो आप किसी को देख कर होते कि यार ऐसा काम करना ये लौंडा बढ़िया करता है आई लाइक like रणवीर सिंह आप देखिए उसको, उसको उसके कपड़े न्यूड पोजिस इतना बड़ा ए लिस्टर होके ही इज कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक वो जिस टाइप के स्पूव करता है ही हैज इट कमर्शियल सिनेमा अडल्ट सिनेमा ही इज लाइक माई रोल मॉडल और बाहर के जो पॉर इंडस्ट्री यू हैोको hmm. uh, और कुछ है ए, एक लड़का मेरी उससे बात भी होती है लूकस uh, फ्रॉस्ट करके और कोई ऐसी पॉन जिसके साथ आप आगे काम करना चाहते हो है कुछ जैसे कि कोलैब्स के लिए बुलाते हैं बट वो लोग ये बोलते हैं कि आप सिर्फ आ जाओ हम काम करेंगे पैसे वैसे नहीं देंगे बोल रहे हैं मतलब अब क्या है कि उनका ओनली फैंस है तो बोलते आप इंडिया से आ जाओ हमारे घर में रुको कॉन्टेंट बनाओ जाओ अच्छा। पैसे नहीं देंगे मेरा तो ओनली फैंस है नहीं आई एम नॉट अ क्रिएटर मैं तो पर डे पर काम करता हूँ

एंड दे so hmm. तो यही सब जो मैंने आपको बताया वही बताया और कोई ऐसा भी है कभी कि बिजनेस वोमेन कोई जैसे कहते हैं ये मैंने पहले भी किया उसने आपको बुला लिया हो कि भाई मुझे ये पॉन स्टार चाहिए पहले भी किया मतलब इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी किया था वो जो जिगोलो जिन्हें कहते हैं कि वो बॉयज को बुलाया जाता है फिर वो स्ट्रिप डांस करते हैं जैसा बोलते हैं वैसा प्रोफेशनल नहीं होता ये आप उनको पार्टीज में मिलते हैं ये ओवर द पीरियड यू बिकम फ्रेंडली

क्योंकि उनको पता है आपके पास ऑप्शन हैं यू आर यंग यू आर डैशिंग आपकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है आप घूमते हो तो आपको आप, आप, क्या बोलते हैं टू कीप यू मतलब आप उनको छोड़ के ना जाओ hmm. और यंग बंदों को क्या चाहिए लाइक एक्टर हो काम नहीं है पैसा आना चाहिए कुछ गिफ्ट्स दिए और उसमें भी एक फ्रेंडशिप बन जाता है जो अभी तक है मेरे बहुत टाइम से वो लोग सिर्फ सेक्स के लिए नहीं मिलते अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं बच्चों के बारे में उनके बच्चे मेरी एज के होते हैं बात करने के लिए कोई चाहिए दे टॉक अबाउट किड्स फैमिली मिलते हैं छुप छुप के ऐसे रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे लाइटिंग डिम होगी क्योंकि अभी भी मिलते हैं अच्छा और मुझे बोलेंगे इतने बजे के बाद कॉल मत करना मुझे ब्लॉक कर देंगे मैं देखूंगा डी हट गया है मतलब डोंट कॉल भाई वैसे आपकी फेवरेट फीमेल पॉन स्टार कौन है सनी लियोन अब तो वो नहीं है पहले थी जो अभी करंट में भी काम कर रही हूँ बाहर की कोई मुझे एक्चुअली नहीं पता मेरी आ, इंडिया में मैं किसी का नाम नहीं ले सकता बट मैं देखता हूँ पर उनका नाम रजिस्टर नहीं होता या भी पढ़ा होगा भूल गया होगा मैं अच्छा आप अपनी आ, जैसे कि आपने बोला कि आप ऑर्गेनिकली चलते हो कोई पेल <coughs> लेते कुछ नहीं लेते लेकिन कभी कार होता है कि आप सो मच इंटो इटो कि भाई आ, कि आप अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहे तो टाइमिंग वाली जो चीज है वो आप कैसे मैनेज करते हैं आपको पता है मेरे साथ लंबा खींचना मेरे लाइन उल्टा है मैं आपको एक बताता हूँ जो मेरा फिलोसफी है मे बी इट्स हैपनिंग विथ मी मैं सेट पे गया ठीक है आई एम आई लुक अ सर्टन टाइप मोस्ट ऑफ दिस गर्ल्स आर फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स ठीक है सम ऑफ देम हैव नेवर हैड सेक्स वर्जिन होती हैं दे मैं उनको पूछा आपका पहला जो बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे स्लैंग है न थारना टाइप्स ऐसे आप कैमरा पे करेंगे हाँ मैं इनको सौ बार पूछता हूँ आई यू श्योर आई यू ड्रंक आई यू हैव टेकन ड्रग्स नहीं फिर वो लोग बताते हैं कि दे हैव कम ऑन देयर ओन उन्होंने खुद अप्रोच किया है मेकर्स को क्योंकि ये मेकर्स लोग एड्स डालते हैं ना कि वी वॉन्ट बोल्ड एक्ट्रेस ये लोग खुद अप्रोच करके आती हैं कि कास्टस तो इन लड़कियों का क्या होता है अभी जैसे आई एम वेरी नाइस आई टेक केयर ऑफ देम चाय पानी टिश्यू पेपर से लिख के मैं जैसे उनका असिस्टेंट आई फेट कि आई एम समी एल्स आपने खाया आपने पिया आपने सोया आपका सीन हुआ आपका पे, पेमेंट मिला घर वालों से बात हुई अगर हॉटस्पॉट नहीं है तो मैं उनको ला देता हूँ जो भी तो दे गेट समवेयर अटैच फॉर दैट एक घंटा दो घंटा तो उनका क्या होता है हमने सीन स्टार्ट करा उनका फट से हो जाता है और गैस अभी ऐसा ही रूम है ए सी बंद है तो स्मेल तो आएगा ना दिख रहा है तो अगर मैंने उस सीन में अपना ख़त्म नहीं किया फिर मैं चिड़चिड़ा बैठूंगा अपने रूम में सही बात है तो मुझे और क्या होता है उनका ना बार बार हो गया है तो बार बार आफ्टर दैट दे आर लाइक मतलब खत्म कर दो एंड विस्परिंग की आई एम आई एम रियली टायर्ड नाउ तो मुझे खत्म जल्दी करना है वरना मैं तो गया ना मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो जाएगा मैं लोगों को चिड़ूंगा क्योंकि आई नो माई सेल्फर डायरेक्टर क्या लंबा खींच नहीं, नहीं नहीं उनको मिल गया वो क्या होता है ना वो बहुत एडिटिंग होता है अच्छा हो भी गया है ना वो फेक वाले सीन्स ले, ले लेंगे क्योंकि रियल तो मिल गया है ना उसको जोड़ जाड़ के क्लोजअप डाल देंगे म्यूजिक डाल देंगे

पॉडकास्ट गार्ड की तरफ आई गया तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि, कि आप चाहते हो कि आपसे लोग इंस्पायर्ड हों वो इस प्रोफेशन में आए या वॉट इज़ योर टेक ऑन दैट मुझे लोग लिटरली ऑफरिंग मी मनी सो दैट आई गिव दैम वर्क क्योंकि उनको फेम पाना है मेरी भी पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में मेरे बीस हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे रातों रात बढ़े जो भी बढ़ रहा है ट्विटर पे फेसबुक पे तो सबको लगता है यही लाइफ है ये हमारी लाइफ नहीं है ये हम दिखाते हैं ये जो कपड़े हैं ये जो लाइफ स्टाइल दिखा इट्स ऑल फेक आप वो क्या सोचते हैं अच्छा वो वहाँ बैठ के चाय उनको नहीं मालूम किसी ने मुझे चाय पिलाया है मैंने वो फ़ोटो डाला है उनको लग रहा चाहिए रोज़ जाके चाय पी रहा है ताज में वो लाइफ उनको चाहिए वो फाइव स्टार वाली लाइफ पर उनको नहीं मालूम कि मैं कितना कुछ सहता हूँ मेरे कज़न्स की शादियों में नहीं बुलाते रिलेटिव्स आपको बॉय करते हैं पापा को तरह तरह की गालियाँ बहुत सारे जो दल होते हैं मेरे गाँव में जाके फैमिली को मेरे को कितने डेथ थ्रेट्स आते हैं मुझे ट्रैक करते हैं बोलते हैं आप इस जगह दिखे आपको मार देंगे और लगातार आ रहे हैं मैं आई वॉज अबाउट टू गो टू द साइबर क्राइम फिर मैंने सोचा मैं क्या जाके कंप्लेन करूं यू नो मैंने बोला जाने दो मैंने लॉयर को भी कंसल्ट किया लगातार आ रहे थे तो ये जो लोगों को लगता है ना ये दुनिया है जस्ट डोंट थिंक दिस इज़ रियल मैं मजबूरी में आ गया जो भी मेरे रीजन्स थे बट जस्ट डोंट थिंक दिस इज द वर्ल्ड इसमें ही आपको फेम मिलेगा एक हाँ है एक सनी लियोन जो बहुत बड़ी स्टार बनी जो भी है बहुत सारे अदर आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डार्क वर्ल्ड डोंट मतलब डोंट थिंक यू वॉन्ट टू बिकम अन फिल्म स्टार आई नो वट बट ओवरऑल इस इंडस्ट्री में आप कह रहे थे कि आप इसको नेगेटिव नहीं देखते बहुत लोगों के घर गर... मुझे लोगों के लिए फिक्र होती है मैं देख रहा हूँ रोज़ नई नई लड़कियाँ आ रही है अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ ना तो उनके शूट्स देखता हूँ हर सेट पे नई लड़की नए लड़के तो मुझे भी बुरा लगता है मुझे लगा कि शायद लोग करेंगे नहीं पर कितना लोग करना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ आते हैं साथ में काम करने के लिए पार्टनर्स अलग अलग होते हैं उनके पर ये सिर्फ पैसों पैसा ही फैक्टर पैसा है ही या फिर है? कुछ और पैसा ही पर उसके साथ क्या होता है ना आप ट्रैवल थोड़ा करेंगे आप कितने लोगों ने फ्लाइट में नहीं बैठे पहली बार फ्लाइट में बैठे तो सोचो उनको कैसा लगेगा करना उनको लगता है अच्छा करना तो सेक्स ही है जो हम घर पे करते हैं हस्बैंड वाइफ्स एंड सम पीपल बाय नेचर वेरी बोल्ड जैसे कि मैं आई माइट बी इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली बट मैं वैसे हूँ बहुत बोल्ड तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी uh, था तो सबके अंदर वो होता है आई थिंक ऑल राइट भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके थैंक यू सो मच आपने दिल खोल के इतनी सारी बातें हमें ओपनली बताई एम श्योर ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड बस यार उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा हमारा भी ये इंटेंशन था कि आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चले क्योंकि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स देखते हैं सब लोग ही देखते हैं कहीं ना कहीं बट इसके पीछे की क्या चीज़ें होती हैं जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उन पर क्या बीतरी होती है उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है ये हमें भी जानना था आज आपने भी हमारे साथ जाना और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में भाई जाते जाते और कुछ कहना चाहते हो यर लास्ट वर्ड्स फ्यू वर्ड्स वेल बी ट्रू डोंट फेक डोंट हर्ट पीपल मैंने जितना भी काम किया है कभी बेईमानी नहीं की चीटिंग नहीं की किसी का पैसा नहीं खाया किसी को धोखे नहीं दिए सो आई थिंक दैट इज़ माई कर्मा और मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर मुझे कभी मेरे तक आते नहीं बिकॉज़ इट इज़ माई गुड कर्मा And the blessings of my parents. So be good to your family, be good to everyone, and you will be successful. <laughs> <laughs> Chalo gii, bye bye. Milte ne, podcast. Mein, like, comment, share, and do subscribe. Subscribe.